घर बैठे प्रसाद मंगाए जा रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से सब कोई समझ रहे हैं कि हमारे घर पे प्रसाद आएगा और अकाउंट पे देके प्रसाद घर पे मंगाए। अब ये कितना सही है कितना झूठ है, मैं तो इसके बारे में पूरा बात तो लेके चलूँगा, लेकिन पहले वीडियो पर बने रहें। और ऐसे ऐसे कई सारे तरीके हैं, कई सारे चीज़ें हैं जो कि बेकार भी होता है, फ्रॉड भी होता है, लेकिन अब इसमें देखना ये है कि आखिर ये फ्रॉड है कि क्या है। आज पूरे दुनिया में, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है और भारत में भी कई राज्यों में इस राम मंदिर से लेते हुए बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। और चाहे कि 108 मीटर लंबा अगरबत्ती की बात हो या चाहे प्रसाद 1 लाख से ऊपर बनने की बात हो, तो राम मंदिर से जुड़े कई सारी बातें हैं जो कि तेज़ी से वायरल हो रहा है, बातें लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक और फर्जी चल रहा है कि जो कि तेज़ी से चल रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक वेबसाइट द्वारा लगभग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर को प्रसाद देने का दावा किया जा रहा है और उसमें यह वेबसाइट का नाम खादी के नाम पर है। ऐसे में खादी और गुरुमो उद्योग आयोग द्वारा एक वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ये फर्जी वेबसाइट बताया गया। इस संबंध में KKIG अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि उन्होंने इस वेबसाइट का सत्यापित का भी जाँच करवाया और यह वेबसाइट फर्जी है कहा जा रहा है। साथ ही साथ यह खादी नाम का उपयोग कर रहा है जबकि उसका KVIC की जुड़ाव की बात करें जो कि कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है और खादी का इस्तेमाल अभी तक हुआ ही नहीं। वहीं बात करें कि बड़ी संख्या में लोग इस पे बुकिंग किए हैं। खादी ऑर्गेनिक के नाम की वेबसाइट से 22 जनवरी को प्रथम दिन प्रसाद को घर तक पहुंचाने के दावा किया जा रहा था और जिसमें हर लोगों से 50 रुपया या 51 रुपया और कभी कभी किसी किसी से 100-100 रुपये तक का पेमेंट ये ले रहे थे। और इस कंपनी का दावा था कि ये हर किसी के घर पे प्रसाद पहुंचाएगा। देखिए, कंपनी का अगर इसके बारे में पता चला, कंपनी जो कि नोएडा में है, जी हाँ, कंपनी वेबसाइट पर पता लगा और ये नोएडा जो कि नंबर दिया गया है और उनमें कई बंद और कई व्यस्त मिले जिसके बाद अभी तक पता नहीं चल पाई है। और ऐसे ऐसे वेबसाइट कई हैं जो कि स्कैम चल रहा है, फ्रॉड तेजी से चल रहा है और लोग दावा करते हैं कि आपको बेहतर बनाएंगे, कई लोग दावा करते हैं कि आपके घर तक ऐसे पहुंचाएंगे। तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट किसी को डायरेक्ट ना कर दें बिना किसी चीज़ को जाने हुए, क्योंकि आप पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन आप अपना ब्यौरा डिटेल भी किसी को कहीं ना कहीं सेंड कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज कल बैठे बैठे घर पर, जिन्हें जॉब नहीं लग रहा है, वो कई वेबसाइट का क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके आपको उसके जाल में फंसा सकते हैं। वही बात है कि राष्ट्रीय विनोद बंगल ने इस वेबसाइट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह के प्रसाद वितरण के लिए ट्रस्ट ने किया कोई अधिकृत नहीं है, बेकार है, मतलब कि सबसे बेकार कह सकते हैं। और उनका मानना यह भी है कि उन्होंने संदेश जताते हुए कहा है कि भगवान श्री राम के प्रसाद और खादी दोनों को बदनाम किया जा रहा है और इसे हिंदू धर्म पर एक ब्लेम भी लग सकता है और लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि लोगों के मन को ठेस पहुंचाना, लोगों के धार्मिक प्रतिष्ठा को बेकार बोलना, कहीं ना कहीं प्रसाद न पहुंचना। कई लोग मेहनत करके 100-200 कमाते हैं और उनसे 50-100 करके न जाने कितने लाख आदमी से पैसे को ले लेना, ये बेकार चीज़ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की भी अपील किया है और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर इन बातों का चर्चा तेज़ी से किया जा रहा है और आप सभी इन बातों को ध्यान रखें। वहीं बात करें कि देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई भी अधिकारी सूचना न आए तब तक इस तरह के मिथ्या विज्ञापन और चीज़ों पर डायरेक्ट पैसा न दें और इस सुरक्षा पर ध्यान दें। और हालांकि इस पर कार्रवाई भी चल रहा है, तो देखिए आगे क्या होता है। जैसी भी खबर होगा हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे स्कैम से कृपया बचें और सतर्क रहें और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी सतर्क करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई बातें और कुछ बेहतरीन जानकारी लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।